इंदौर बनने जा रहा है साक्षी भव्य चतुर्मास का। युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहेब का भव्य चतुर्मास। सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की जोत जगाने आया है। महापर्व पर्युषण एक स्वर्णिम अवसर है। चतुर्मास का ये बीच का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। महापर्व पर्युषण मेरे और आपके लिए 8 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि 8 दिन आप अथाई तप कर सकते हैं तो बहुत सुंदर बात है। अथाई तप करें, 8 पौषित करें, 8 से संकल्प करके आगे 15 करें, मास कमन करें। जितना आपका संकल्प बढ़ जाएगा उतना अधिक आपके कर्म की अनंत अनंत निर्जरा होगी। हम सब कुछ कर रहे हैं केवल कर्म निर्जरा के लिए करना, एक बात का ध्यान रखना, ये महावीर का शासन, ये महावीर का धर्म, इसमें कोई प्रलोभन नहीं, कोई इसके लिए हम नहीं कहते कि प्रभाव ना बांटो, ये करो। ठीक है, लोग बांटते होंगे, मैं किसी को इनकार नहीं करता, परंतु तप धर्म को बेचा नहीं जा सकता। चंद सिक्कों के लिए, कुछ प्रभावना के लिए, ये तुम्हारे अंतर की प्यास जागे कि अवसर आया है। ये मानव का जीवन बार बार मिलता है। तुम स्वस्थ हो ये बड़ी बात है। अस्पताल में जा कर के देखो, लाखों लोगों को जगह नहीं मिलती अंदर जाने के लिए। जो रोगी हैं, जो अभावग्रस्त हैं, इनको धर्म श्रवण करने का अवसर नहीं मिलता, इनको प्रभु महावीर की वाणी सुनने को नहीं मिलती। तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें मानव का जीवन मिला, जैन कुल मिला, जैन परिवार मिला, समृद्ध परिवार मिला, और उसके साथ साथ चतुर्मास में साधु साध्वी श्रावक श्राविका का संग मिला, उसमें साथ धर्म की आराधना करने का अवसर मिला, उसके साथ भगवान महावीर की जो मूल वाणी है वो सुनने का अवसर मिला। बस केवल तैयारी करो, एक समर्पण का भाव, अंग 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 कन कन रोया रोया खून का कतरा कतरा धर्म में बहा दो। और धर्म कोई अनुष्ठान नहीं होता, धर्म में धर्म क्रिया नहीं होती, क्रिया थोड़ी देर के लिए होती है, उससे पुण्य का बंध बनता है। सतत 24 घंटे श्वास चल रही है तो श्वास के साथ तुम धर्ममय हो जाओ। ये कला सीख लो महावीर की। महावीर 24 घंटे निद्रा करते थे, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते कुछ भी, खाना पीना तो उनके लिए था ही क्या। और कैसे महावीर ने अपने जीवन को तपाया, क्या हम नहीं तपा सकते हैं? कि 8 दिन का अथाई नहीं कर सकते हैं? धन्य है वो लोग, उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने मास कमन किए हैं। और मास कमन करने के बाद उन्होंने मास कमन की प्रतिज्ञा ली है, और जो 15-11 कर रहे हैं गुप्त भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर एक ही बात कहता हूँ, लेन देन का कोई संबंध नहीं रखना। मेरे पास कुछ युवक आए कि महामंत्र का पाठ चल रहा है, कोई सिक्के बांट दें, चांदी के सिक्के। मैंने कहा इतने युवक हैं इंदौर के अंदर, इतने महिला मंडल है, इतने लोग हैं, इतने युवक हैं, वो रात्रि भर यहाँ विश्राम करें, महामंत्र का पाठ करें, उपवास करें, 8 दिन की तपस्या करें, कि चांदी के चंद सिक्के लेकर के उनको बिठाना नहीं। धर्म अंतर प्रेरणा से होता है, अंतर जागरण से होता है। तुम्हारा अंतर की तपस्या, तुम्हें घर में बैठने का विचार ही ना आए, दुकान में जाने का विचार नहीं आए, कितना कमा लोगे तुम? मान लिए 2 करोड़ भी कमा लिया तो क्या आगे पीछे 2 करोड़ नहीं कमा सकते? और तुम्हारा भाग्य होगा तो अपने आप तुम्हारे पास ग्राहक चल के आते रहेंगे। इसलिए कोई धन की चिंता नहीं करना, 8 दिन का अवसर निकालना। ये युवाचार्य जी ने अभी प्रेरणा दी। इसमें करना क्या है,
सब कुछ आपको बता ही दिया, हर साल पोल्यूशन आते हैं, पर विशेष तौर पर पूरा दिवस ध्यान, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, आलोचना, योगा, तप, जितना आप कर सकते हो, और बच्चों को जरूर भेजिए, दोपहर के समय बच्चों को भेजिए, एक घंटा बच्चों को भेजिए, बच्चों को यही संस्कार का समय है। फिर संस्कार समय कब आएगा? ट्यूशन जरूरी नहीं है 8 दिन ट्यूशन में भेजना। तो मैं महावीर की बात कह रहा था, प्रभु महावीर ने केवली होने के उपरांत भगवान ने प्रवचन दिया, गांव गांव पैदल विहार करते रहे। भगवान महावीर के धर्म संघ में स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं था, जो स्थान पुरुषों का था वो स्थान स्त्रियों का था, स्त्रियों भी साध्वी बनने का अधिकार भगवान महावीर ने दिया कि स्त्रियां भी साध्वी बन करके मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। जब मरुदेवी माता मोक्ष जा सकती है तो स्त्री को मोक्ष क्यों नहीं भाई? और कोई धर्म चोले में है? धर्म कोई पुरुष और स्त्री के वेश में है? धर्म तो तुम्हारे अंतर के भावों में नहीं है। दिगंबर का मतलब क्या होता है? दिक अंबर, जिसकी चर्या, जिसका आचरण, जिसका व्यवहार, जिसकी विचार, जिसकी धारणाएं आकाश की भांति स्वच्छ और निर्मल है, कोई बाधा नहीं, परंपरा नहीं, संस्कार नहीं, धारणा नहीं, मन वचन काया नहीं, कुछ नहीं, आकाश की भांति स्वच्छ और निर्मल जिसकी धारा वो दिगंबर है। तुम भी दिगंबर हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, बहनें भी हो सकती हैं, उनका हृदय शुद्ध और पवित्र आकाश की भांति स्वच्छ और निर्मल हो। तो भगवान महावीर ने कोई भेदभाव नहीं किया, गृहस्थ को वही स्थान दिया, श्रावक श्राविका आनंद आदि भगवान के प्रमुख श्रावक थे। उपासक दिशांग सूत्र में वर्णन आता है, श्राविकाओं ने व्रत धारण किया, जैन तत्व का गंभीर अध्ययन किया, जयंती आदि श्रावकाओं ने भगवान महावीर से सीधे प्रश्न पूछे। जयंती श्रावका का वर्णन आता है, भंते जागना अच्छा है कि सोना अच्छा है, क्या करना है? भगवान महावीर ने सीधे उत्तर दिए, श्रावकों को उत्तर दिए, साध्वी श्राविकाओं को दिए, जो किसी ने पूछा भगवान महावीर ने कोई भेदभाव नहीं रखा। ऐसे थे भगवान महावीर। भगवती सूत्र के अंदर जिक्र आता है कि जयंती श्राविका ने भगवान से प्रश्न पूछे, भगवान ने चतुर्विद संघ साधु साध्वी श्रावक श्रावका की स्थापना की। ये संघ, चतुर्विद संघ, जो आप लोगों ने चतुर्मास का लाभ लिया है, साधु साध्वियाँ श्रावक श्राविका, ये महावीर का संघ, ये महावीर का धर्म है, ये महावीर का समोसरण है, ये महावीर की साधना है, ये महावीर का ध्यान है, ये महावीर की वाणी है। हम तो केवल डाकियाँ हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम थोथे ब्लैंक, कुछ भी हमारे पास नहीं है, बस प्रभु महावीर ने जो हमें दिया, जो आपको दिया। और आप पहले मोक्ष जा सकते हो, जरूरी नहीं संत जाएं, संत अपने अहंकार में रह सकते हैं, तुम पहले भी जा सकते हो, ये तुम्हारी दिनचर्या आकाश की भांति स्वच्छ और निर्मल है, तुम कोई बाधा नहीं स्त्री और पुरुष का, तुम श्रावक श्राविका हो, तुम गृहस्थ धर्म का पालन करना कोई आसान नहीं है, बहुत कठिन होता है। गृहस्थ की जिम्मेदारी होती है साधु साधियों की रक्षा करना, उनके रोगोपचार का ध्यान रखना, उनकी पूरे जीवन की चर्या का भार श्रावक पर है। हमारे पास कौन सा बैंक बैलेंस है, कौन सा खेती करते हैं हम लोग, तुम्हें ज़रूरत पड़ती है, आज अस्पताल में जाना पड़ा, आप लोग खड़े हो, सब कुछ देने को तैयार बैठे, अपना घर भी दे देते हो, अपना धन भी दे देते हो, अपने बेटे को भी दे देते हो, और जो देते हो तुम्हें मिलता है, मोक्ष का दरवाजा खुलता है, इतनी उदारता से आप देते हो, उदारता से उतना ही आपको मिलता है। ये मत समझना कि श्रावक या श्रावक बहुत ऊंचा श्रावक, उसकी भावना, आनंद श्रावक का ज्ञान, झुकना पड़ा गंधर्व गौतम को जो बेले बेले का पालना करता है, तो तुम श्राविका श्राविक वो, और अभी अनुवर्त भी दिए हैं आप लोगों को, अनंत उपकार है भगवान महावीर का, तुम्हारे उठते बैठते चलते सोते खाते पीते भगवान महावीर की आत्म दृष्टि रम जाए, और तुम कुछ भी ना करोगे तुम्हारे कर्मों की नजरा होती रहेगी। ऐसा धर्म है, ऐसा धर्म है महावीर ने कहा।
महावीर ने क्रिया को महत्व नहीं दिया। मैं कई बार बोल चुका हूँ जी, आयावादी से लोयावादी, लोयावादी से कम्मावादी, कम्मावादी से क्रियावादी। पहले आत्मदृष्टि प्राप्त करो। आत्मदृष्टि नहीं है, सबको एक समान नहीं समझते, स्त्री और पुरुष में भेद करते हो, अमीर गरीब में भेद करते हो, पुरुष और स्त्री को ऊंचा नीचा करते हो, तो आत्मदृष्टि नहीं आई। कोई दिखाई दे सामने, उसके उसमें आत्मा देखो, उसमें आत्मा देखो और अपने आत्मा के भीतर आत्मा को देखो और आत्मा को आत्मा में स्थित कर लो। बस इतनी सी बात महावीर कहते हैं। और इसने इतने से आपको केवल ज्ञान हो सकता है। मैं बोल गया हूँ, करना बड़ा कठिन है। मन को अलग कर देना, विचारों को अलग कर देना, परंपरा को, धारणा को, कोई धारणा नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई आराधना नहीं, कुछ नहीं, केवल अपने को अपने में समाहित कर लेना। और प्रभु महावीर ने 12.5 वर्ष तक किया। तुम लोगों को कहते हैं 4 दिन का ध्यान शिविर कर लो, तो अवसर ढूंढते हो। अरे क्या अवसर ढूंढना, 4 दिन में क्या होता है? बीमार हो जाओ तो 2 महीने डॉक्टर कहते हैं उठ नहीं सकते। आज देखो डेंगू और मलेरिया और ये क्या क्या नहीं हो रहा, 2-2 महीने पड़े हैं, कुछ कर नहीं सकते, हाथ हिला नहीं सकते, कर नहीं सकते। बेबसी में इंसान सब कुछ करता है, पर अपने होश से करो ना। सोचो 8 दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या दुकान नहीं चलेगी? क्या व्यापार नहीं चलेगा? बच्चों को लाओ, सबको भेजो, 8 दिन में तप करो, साधना करो और चर्चा करो, खूब चर्चा करो। चर्चा किसकी करनी है? फालतू की चर्चा नहीं करनी। हम कभी फालतू की चर्चा नहीं करते, क्या वो करते हैं, क्या वो करते हैं, चमासा किसका होता किसका नहीं होता। हम केवल आत्मा की चर्चा करो, बस केवल आत्मा की चर्चा करते भी आपको कर्मों की नजर होगी। मैं एक ही बार बार शब्द कहता हूँ, हो सकता है कुछ लोग मेरे से नाराज भी हों कि आचार्य जी को कुछ सूझता ही नहीं है, आत्मा ही सूझती। मैं तुम्हारे भीतर क्या है भाई, वो मेरे भीतर है, तुम्हारे भीतर है। जो सत्य है महावीर ने कहा, हम उसकी ही चर्चा करते हैं। और सारे सूत्र देख लीजिए, आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। और आप तक जीवन में तुम्हारे भीतर आत्म तत्व है तो जिंदा हो, व्यापार धंधा करते हो, आत्मा निकल जाए तो क्या स्थिति है? भगवान महावीर ने तत्व संघ की स्थापना की, उनके संग में 14,000 साधु, 36,000 साधवियां हमेशा बहने आगे रहती हैं। देखो कितना पुण्य है बहनों का, कहाँ 14 का 36, कितना फर्क है, डबल से भी आगे। ऐसा है महावीर का शासन। और श्रावक 1,59,000, और श्राविकाएं फिर आगे 3,18,000। साधु से साधवियां, श्रावक से श्राविकाएं, ऐसा क्यों क्यों हुआ ऐसा? हमेशा देखो बहनें हैं, माताएं हैं, वो आगे आती हैं। क्यों आगे आती हैं? कभी सोचा आपने क्यों आगे आती? तुम धन कमाते रहते हो, पैसा इकट्ठे करते रहते हो, बिल्डिंग बनाते हो, घर चलाते हो, क्या तुम्हारे पैसा काम आएगा? और बहनें मजा करती, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता। बोलो क्या करना पड़ता है आपको? भोजन बनाना पड़ता है। पैसा कमाते कमाते तुम बूढ़े हो जाते हो, तो पाया क्या? यदि उसी पैसे का उपयोग किया गया धर्म के लिए, संघ के लिए, परिवार के लिए, कोई रोगी है, कोई तपस्वी है, वो पैसा तुम देते हो, तो तुम अनंत अनंत कर्म निर्दा करके वो दानशील, तप और भावना, ये 4 अंग हैं मोक्ष के। श्रावक के, श्रावक का साधु साध्वी के लिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरितानि, मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक तप विशेष तौर पर तुम्हारे लिए भी वही है, पर सीधा रास्ता भगवान ने कहा साध श्रावक श्राविका दान शील तप और भावना। शुद्ध हृदय से दान दो, कुछ हिस्सा अपने लिए रखो दान का। यदि आप 100 रुपये कमाते हो तो 10 रुपये अलग से निकाल दो, 1,000 कमाते हो तो 100 निकाल दो, वो किसी को भी दो दान शील। अब 8 दिन में खूब साधना ब्रह्मचर्य का पालन करो, वैसे तो साल भर पालो, पर विशेष तौर पर शील और तप, 8 दिन का तप, मांस कमलम का तप, नकारसे का तप, 8 दिन साधना करो,
खूब साधना करो जितना कर सकते हो। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल केवल आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। देह में आत्मा, विनाशी देह में अविनाशी चेतना, मन वचन काया के पार एक आत्म तत्व, वो तुम्हारा अस्तित्व है, उसमें सब कुछ समाया है। आत्मा समृद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। आपका कमाया हुआ धन, पद, प्रतिष्ठा आत्मा को कोई काम नहीं आएगी। केवल 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 तुम आत्मा। चित हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। एक शरणी है धर्म की, और शरण नहीं को, सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, जन जन मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग, नमंग संति जसुधम्य श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, ओरण शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो।